जून के महीने में मेरे फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार की एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अब हमें पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन के बारे में जानने को मिलेगा, लेकिन फिल्म देखकर ऐसा लग रहा है या तो हमने इतिहास गलत पढ़ा है या फिल्म में अक्षय कुमार जी के कैरेक्टर यानी कि पृथ्वीराज चौहान जी ने टाइम ट्रेवल किया है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है 1192 ईस्वी में शहीद होने वाले हमारे पृथ्वीराज चौहान जी सन 1206 में मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। क्या है इसकी हकीकत, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा, आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया यूट्यूब चैनल। इस मूवी में क्या हुआ वो तो हम सभी देखकर बता सकते हैं, इतिहास में क्या होता है उसके बारे में आइए जानने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद गोरी एक टर्किश इन्वेडर था और इसे भारत में आक्रमण करने के लिए जाना जाता है। इसने भारत में दूसरा टर्किश आक्रमण किया था। इसके पहले एक और टर्किश व्यक्ति भारत में आक्रमण कर चुका था जिसे हम महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा था। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी में सिर्फ एक फर्क था, महमूद गजनवी भारत को लूट कर ले जाता था लेकिन मोहम्मद गोरी तो भारत में सत्ता कायम करने ही आया था। सत्ता कायम करने के लिए मोहम्मद गोरी ने हमारे देश में पहला आक्रमण मुल्तान शहर में सन 1175 ईस्वी में किया था। ये मुल्तान शहर वही मुल्तान शहर है जो पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन इतिहास में कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था। सन 1178 में महमूद गजनवी की तरह मोहम्मद गोरी भी सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन रास्ते में चालुक्य वंश के भीमराज द्वितीय द्वारा पराजित कर दिया जाता है और अरेस्ट करके माउंट आबू में रख लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मोहम्मद गोरी को जब इतिहास में भीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तो वो पृथ्वीराज चौहान से लड़ने कैसे पहुंचता है, तो इसके पीछे हमें पता चलता है मोहम्मद गोरी पर भीम की मां ने दया आने के कारण उसे रिहा करवा दिया था। रिहा होने के बाद मोहम्मद गोरी समझ गया था कि भीम के रहते हुए मोहम्मद गोरी का जीतना नामुमकिन है, इसलिए मोहम्मद गोरी सन 1179 में भारत के नॉर्दर्न पार्ट सिंध और कश्मीर पर आक्रमण कर कब्जा कर लेता है। सन 1179 में दिल्ली, राजस्थान के सांवर और अजमेर में एक वंश चल रहा था जिसे हम चौहान वंश के नाम से जानते हैं, जिसके रूलर पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान थे, जिन पर मूवी बनी है और इस मूवी में अक्षय कुमार पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में नजर आए हैं। पृथ्वीराज चौहान को हम इतिहास में तीन नामों से जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय और राय पिथौरा के नाम से भी। जब हमारे देश में राजशाही थी तो राजशाही के समय पर देखा गया है कि राजाओं के पास पर्सनल पोएट या पर्सनल सिंगर हुआ करते थे। ऐसे ही हमारे पृथ्वीराज चौहान जी के पास चंद्रवरदाई नाम के एक पर्सनल पोएट यानी कि राजदरबारी कवि थे। इन पर्सनल पोएट का काम हुआ करता था अपने राजा की प्रशंसा करना यानी कि राजा की तारीफ करना, फिर चाहे राजा तारीफ के लायक हो या ना हो। पृथ्वीराज चौहान जी के पर्सनल कवि यानी कि चंद्रवरदाई, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है पृथ्वीराज दासो। इस किताब में पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा और उनके जीवन के बारे में बताया गया। इसी किताब से हमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई लड़ाइयों के बारे में मिलता है लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी जानकारी मिलती है जो कि हमारे इतिहास से मैच नहीं करती है। चंद्रवरदाई यानी कि सोनू सूद का कहना है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 16 युद्ध हुए। इन 16 युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है और हर बार माफी मांगकर भाग जाता है लेकिन इतिहासकार चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई किताब पृथ्वीराज दासो में दिए गए वर्णन को काल्पनिक बताते हैं। मोहम्मद गोरी के द्वारा सन 1191 में पृथ्वीराज पर पहला आक्रमण किया गया था लेकिन चंद्रवरदाई के अनुसार यह आक्रमण 17वां आक्रमण था जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 17वीं बार माफ कर दिया जाता है। हारने के बाद मोहम्मद गोरी गजनी भाग जाता है और पृथ्वीराज चौहान का ध्यान मोहम्मद गोरी से हटकर कन्नौज की एक गोरी संयोगता पर अटकता है लेकिन कन्नौज का राजा और संयोगता का पिता जयचंद पृथ्वीराज चौहान और संयोगता को मिलने नहीं देना चाहता। नहीं मिलने देने का भी कारण है क्योंकि जयचंद के द्वारा संयोगता का स्वयंवर रखा जाता है और इसमें उस समय के सभी राजाओं को बुलाया जाता है लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता है। लेकिन उस समय पर पृथ्वीराज चौहान जी का ईगो हर्ट हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान जी जबरदस्ती जाकर संयोगता से शादी कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए जयचंद भी कसम खा लेता है कि मैं इसको हरा के ही मानूंगा। सन 1192 में मोहम्मद गोरी अपनी ताकत को बढ़ाकर एक बार फिर से वापस आता है और लड़ा जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। पृथ्वीराज चौहान की मौत के साथ ही सन 1192 में हमारे देश में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है लेकिन चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज दासो की बात माने तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसमें चंद्रवरदाई के द्वारा 1192 के युद्ध का इतिहास ही बदल कर लिखा गया यानी कि मूवी का क्लाइमेक्स ही चेंज कर दिया गया है। पृथ्वीराज दासो में इतिहास बदल कर लिखा गया और लिखा गया है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं की गई थी
बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके साथ में चंद्रवरदाई को गिरफ्तार करके गजनी ले गए थे। और गजनी में कैदी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को घूर कर देखते हैं और नजरें नीची नहीं करते हैं। इसी बात से नाराज होकर मोहम्मद गौरी अक्षय कुमार यानी कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़वा देता है और यहीं से शुरू होता है फिल्म का क्लाइमैक्स। और पृथ्वीराज रासो में लिखा गया कि अंधे होने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान आवाज सुनकर निशाना लगा सकते थे। चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो डीसी या मार्वल की कॉमिक्स से कम नहीं है क्योंकि इसमें भी सुपर ह्यूमन एग्जिस्ट करता है। गजनी में खेलों का आयोजन किया जाता है जिसमें चंद्रवरदाई के द्वारा मोहम्मद गौरी से शर्त लगाई जाती है कि हमारा राजा यानी कि पृथ्वीराज चौहान अंधा होने के बावजूद भी निशाना लगा सकता है, जिस पर मोहम्मद गौरी हंसता है और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मोहम्मद गौरी और चंद्रवरदाई इसी बात पर शर्त लगाते हैं और पृथ्वीराज चौहान को शर्त के मुताबिक धनुष और बाण दिया जाता है। जैसे ही मोहम्मद गौरी निशाना लगाने का आदेश देता है मोहम्मद गौरी पर पृथ्वीराज चौहान आक्रमण कर देते हैं और निशाना मोहम्मद गौरी के अंदर लगता है। लेकिन आपने इतिहास में जो कहानी सुनी है पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाकर अंधा करने और वहां पर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अंधा होने के बावजूद मोहम्मद गौरी की हत्या करने की, ये सिर्फ पृथ्वीराज रासो में मिलती है। लेकिन हमारा इतिहास इसके अलावा और कुछ कहता है। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि सन 1192 में ही मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की गई थी। अब आपको भरोसा किस पर करना है, पृथ्वीराज रासो पर या फिर हमारे इतिहास पर, आप खुद देख लो। ये मूवी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इस मूवी को पॉलिटिकल नजरिए से देखा जा रहा है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।